हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो में बात करने वाला है इफ स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले हमने ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स और सिंपल स्ट्रिंग आर्क्स जो एरे मेन मेथड में पास होता है उसका यूज क्या है, ये सब हमने देख लिया। तो आज से वीडियो से हम जा रहे हैं कंट्रोल फ्लो पर, मीन्स के कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशनें होती है तभी हमें ब्लॉक ऑफ कोड है उसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसे किस तरह से किया जाता है उस पर हम अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज। व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ओनली व्हेन अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, देन वी यूज इफ स्टेटमेंट। तो यह स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कहना चाहता है कि हमारे पास कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड है, वो हमें तभी ही एग्जीक्यूट करने हैं तब सर्टेन कंडीशन ट्रू हो, यानी कि कंडीशन बेस्ड हमें कुछ स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करना है, तो हम इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं, यानी कि इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं उसकी सिंटेक्स। तो उसकी शुरुआत इफ कीवर्ड से होती है और ब्रैकेट में कंडीशन पुट की जाती है। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर आएगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो ये जो इफ स्टेटमेंट है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, अगर ये जो मैंने कंडीशन इधर ब्रैकेट में लिखी है अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इनसाइड द ब्लॉक ऑफ इफ जो भी स्टेटमेंट होगे वो एग्जीक्यूट हो गए। कब? जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो ही ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गए। अगर ये कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इफ के कर्ली ब्रेसिस के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं हो गए। तो अब इसका यूज मीन्स इसका एक एग्जाम्पल करके हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इधर मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया है, उसमें मैं क्लास लिखता हूं, क्लास इफ डेमो। उसके अंदर अपनी मेन मेथड लगा देता हूं मैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके अंदर स्ट्रिंग आर्क्स नाम का एरे, इसमें जो है सारे लाइन में ये मैंने स्ट्रिंग इधर लिखा है। स्ट्रिंग क्या है? क्लास है, वो इनबिल्ट जावा हमें प्रोवाइड करता है। तो इस स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है ना एस, वो कैपिटल है, तो उस बात का आपको याद ध्यान रखना है। अगर आपने उसको स्मॉल इधर यूज किया तो कंपाइल टाइम आपको एरर जनरेट होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको पता नहीं है कि स्ट्रिंग आर्क्स जो है उसका यूज क्या होता है, इसका इधर हम क्यों पुट करते हैं, तो उसके पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी और उसको मैंने काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वीडियो आप देख लेना। तो अब इस प्रोग्राम को पहले मैं सेव कर देता हूँ, इसलिए अपना जो क्लास नेम है इफ डेमो उसे कॉपी करता हूँ, देन कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। उसके बाद डी ड्राइव में जावा नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर मैं इफ डेमो डॉट जावा एक्सटेंशन से इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तब देखते हैं इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल। तो सपोज मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंटीजर नंबर वन इक्वल टू टेन, देन बी सॉरी नंबर टू इक्वल टू फाइव। तो मुझे करना कुछ ऐसा है कि अगर ये नंबर वन की जो वैल्यू है नंबर टू से ज्यादा हो तो मुझे सिर्फ मैसेज देना है नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। तो ये किस तरह से पॉसिबल है उसका अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो इफ कीवर्ड का यूज करना है इफ कंडीशन लगाने के लिए और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन पुट करनी है। तो हम किस तरह से चेक कर पाएंगे कि नंबर वन नंबर टू से ज्यादा है या नहीं? तो मैंने ऑलरेडी आपको ऑपरेटर का नॉलेज दिया है, अगर आप ऑपरेटर के बारे में नहीं जानते तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। इधर मैं कंडीशन यूज करता हूँ नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू। अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे सिर्फ मैसेज देना है नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो रेडीमेड हो गया। इसे कंपाइलर किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा? पहले आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, उसके बाद ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ मल्टी लाइन, नंबर वन इक्वल टू कितनी वैल्यू इनिशियलाइज होगी 10, देन नंबर टू इक्वल टू 5।
इस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन के बाद इफ कंडीशन पे आएगा नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू, ये जो कंडीशन है वो चेक की जाएगी कंपाइलर के द्वारा। नंबर वन की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 ग्रेटर देन साइन, नंबर टू की वैल्यू क्या है, 5 है। तो आपको इस ग्रेटर देन ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं बताए तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। जब भी हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं ना, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से अगर ज्यादा हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 10 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 5 है, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो ये जो इनसाइड बॉडी ऑफ इफ में मींस के ब्लॉक ऑफ कोड जो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी गई है वो एग्जीक्यूट हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो। हमारे इस केस में क्या हुई, ट्रू हुई, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि आपको आउटपुट में दिखेगा नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। तो इस तरह से आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम CMD को ओपन करते हैं। CMD को ओपन करने के लिए पहले मैं रन विंडो ओपन करूंगा, विंडो प्लस R शॉर्टकट की है, उसके जहाँ पे हमें लिखना है CMD और एंटर प्रेस करना है। तो CMD ओपन हो गया, लेकिन ये जो पाथ है वो C ड्राइव में यूजर S के नाम का है। तो हमें करना क्या है, हमारा जो पाथ है वो हमने कहाँ हमारा प्रोग्राम स्टोर किया है, डी ड्राइव में जावा नाम का फोल्डर, इस पाथ की जगह आ जाना चाहिए डी जावा। तो उसके लिए आपको पहले डी कॉलन करना पड़ेगा। अब आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है, यानी कि सेंड डायरेक्टरी सीडी नाम का कमांड यूज करना है, देन जावा देन स्लैश प्रेस एंटर। तो ये पाथ अब सेट हो गया, ये पाथ अब सेट हो गया। अब क्या करना है, हमें हमारा प्रोग्राम कंपाइल करना है। तो जावा सी कमांड इज यूज फॉर कंपाइल द जावा प्रोग्राम। तो जावा सी लिखना है, उसके बाद हमारे क्लास का नाम इफ डेमो देन डॉट जावा एक्सटेंशन भी कंपाइल करते वक्त हमें यूज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो इधर कोई एरर नहीं, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब दूसरा करना है प्रोग्राम को रन। रन करने के लिए जावा कमांड यूज होता है, फिर क्लास नेम इफ डेमो। जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं ना, तब डॉट जावा एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपाइल टाइम मीन्स जावा सी कमांड के साथ ही हमें एक्सटेंशन लगाना है इफ डॉट जावा, ठीक है, इफ डेमो डॉट जावा। इसे अब एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो इधर नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। तो जिस तरह से मैंने आपको इधर बताया ना, इस तरह से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, वही आउटपुट मिल रहा है। सपोज मैं इस नंबर टू की वैल्यू अब चेंज कर देता हूँ 50, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, नंबर वन में 10 डालेगा, नंबर टू में 50 डालेगा। इसके बाद यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इफ नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू, नंबर वन की वैल्यू है 10, नंबर टू की वैल्यू क्या है 50। अब देखिए, जब भी हम ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करते हैं तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से अगर ज्यादा हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है 10, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है 50, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये जो कंडीशन है फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया, यानी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड है इफ के, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि डायरेक्टली कर्सर इधर आएगा और अपना जो प्रोग्राम है वो उसे टर्मिनेट कर देगा, यानी कि आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक आउटपुट आएगा। इसको अब सेव करता हूँ, फिर से सीएमडी पे जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ पहले जावा सी इफ डेमो डॉट जावा, अब रन करता हूँ जावा इफ डेमो। तो अब देख सकते हो जावा इफ डेमो के बाद कोई भी स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है, यानी कि मैंने आपको प्रॉपर नॉलेज दिया कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो आपको ऐसा लगे कि मुझे एक कोड चाहिए, मुझे बुक में लिखना पड़ेगा, तो इस कोड को आपको किसी भी बुक में नोट करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डेवलप किया है और उसे प्ले स्टोर में अपलोड भी किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए तो आपको बहुत ही बढ़िया से एग्जाम्पल भी मिल जाएगी और एक कोड भी आपको आसानी से मिल जाएगा और एग्जाम टाइप रीड करने में आसानी भी रहेगी, अपने मोबाइल थ्रू ही आप रीडिंग भी कर सकोगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।